नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल माधव एंड ब्लॉग और एक आज एक और नई वीडियो के साथ में, जो कि लोग को संबंधित जानकारी दिन ब दिन आप लोगों को मिल रही है और उसका लाभ उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को समझ में आ सके। ठीक है, उसी सीरीज में PTDC की डाली थी, उसके बाद एक और सर है हमारे साथ में, आज देखते हैं क्या टॉपिक रहेगा। ठीक है, बने रहिए वीडियो में, अंत तक देखिए। आज की वीडियो जो है अपनी ये 37079 पर है। ठीक है, ये पावर है कहाँ का, कहाँ की है वो, इसको तो पूरे में पेंटिंग हो रखी है। देखिए, एडवर्टाइजमेंट है ये, इसका रियल पैसा चार्ज करती है, ऐसे फ्री में एडवर्टाइजिंग नहीं होती है इसमें। ठीक है, ये है आपकी, ये देखते थोड़ा सा, ये सामने से है आपकी कल्याण, ये लिखा हुआ है कल्याण की पावर है, इसी पर होने वाली है। बाकी टॉपिक क्या रहेगा सर बताएंगे आगे। ठीक है साथियों, नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने आपका अपना साथी विवेक सचान, इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिक लोको DTC आलमबाग लखनऊ, आपके सामने मुखातिब हूं। आज मैं आपको थ्री फेज लोको में विभिन्न प्रकार के प्रेशर स्विच लगे हुए हैं, जिनका काम और उनकी लोकेशन हमारे लोको पायलट भाइयों को समुचित जानकारी नहीं है, जिसके अभाव में उनको नित प्रतिदिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैंने सोचा आज आपके लोगों में जो प्रेशर स्विच लगे हैं उसके विषय में आज आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है आपको मुझे मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। तो साथियों, इसी के लिए मैं आज आपको ले चलता हूं, आपके जितने भी प्रेशर स्विच हैं, मैक्सिमम प्रेशर स्विच आपके न्यूमेटिक पैनल पर लगे हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ न्यूमेटिक पैनल पर। साथियों, ये आपका न्यूमेटिक पैनल है, ये लोको है WAP7 GTO लोको है, और इसमें आपने देखे होंगे सफेद रंग की डिब्बियां लगी हुई है, कुल मात्रा यानी कुल संख्या में 9 होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक डिब्बी कम है, 9 डिब्बियां होती हैं। ये जो प्रेशर स्विच लगे हुए हैं, इनका महत्व क्या है और इनका काम क्या है? तो साथियों, मैं दाहिने से शुरू करता हूं। दाहिने तरफ ये देखिए, 9.1, इसको कहते हैं 9.1, ये जो है प्रेशर स्विच लगा हुआ है, और इसको, इसका काम क्या है, 0.1 का ये प्रेशर स्विच है, जब कभी भी उससे 0.1 से संबंधित प्रॉब्लम आए तो आप इसको जेंटली थपथपाएं, क्योंकि कभी कभी प्रेशर स्विच भी माल फंक्शनिंग करने लगते हैं। दूसरा है 9.2, ये जो है प्रेशर स्विच 0.2 का प्रेशर स्विच है, सेम प्रॉब्लम क्रिएट होने जैसी बताई, तो इसको भी आप थपथपा कर काम, अपनी जो ट्रबल शूटिंग है उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ये 0.1 का, ये 0.2 का, 9.1, 9.2। उसके बाद है 69 नंबर, अक्सर देखा होगा कि आपकी गाड़ी में अक्सर प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, कि हमारे में गाड़ी में सारा प्रेशर पूरा है, उसके बाद भी गाड़ी में मैसेज आता है और गाड़ी में इमरजेंसी ब्रेकिंग होने लगती है, और 30 सेकंड के से एबव यानी कि 60 सेकंड या उसके बाद प्रेशर फिर आ जाता है और गाड़ी ब्रेकिंग हो जाती है, फिर प्रेशर कंप्लीट हो जाता है तो ब्लॉक सेक्शन में डिटेंशन होता है। तो 69 नंबर, 69 नंबर स्विच, ये प्रेशर स्विच तीसरे नंबर का दाहिने से, ये प्रेशर स्विच है इमरजेंसी ब्रेकिंग का। ऐसी समस्या आने पर आप इसको जेंटली थपथपा कर फॉल्ट को रेक्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहां से माल फंक्शनिंग होती है। नेक्स्ट है 26 नंबर, यह है ऑक्सिलरी कंप्रेसर का, ये आपका ऑक्सिलरी कंप्रेसर, ये जो है आपका ऑक्सिलरी कंप्रेसर, जिसको बेबी कंप्रेसर भी कहते हैं, इससे संबंधित समस्या होने पर ये 26 नंबर को आप टैप करते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, ये आपका, इसको यहां से काट लो,
26 नंबर, उसके बाद नेक्स्ट आता है 34 नंबर, ये है एफपी का, फीड पाइप प्रेशर का ये प्रेशर स्विच है। और नेक्स्ट है ये 60, ये उल्टा लग गया है, लग रहा है 9 नंबर, 09 लिख रहा है, ये 60 नंबर प्रेशर स्विच है। और इसका काम है आपका वीसीडी का, विजिलेंस का ये प्रेशर स्विच है। और उसके बाद है 44 नंबर, ये प्रेशर स्विच है आपके एयर फ्लो इंडिकेटर का। तो मैंने आपको बताया था 9 होते हैं, चूंकि इसमें 8 है उसका कारण का है। यहाँ पर एक 32 नंबर का प्रेशर स्विच होता है सेम इसी तरीके का, 32 वो होता है पार्किंग ब्रेक का, चूंकि इस लोको में पार्किंग ब्रेक को हटा दिया गया है, पार्किंग ब्रेक युक्त लोको नहीं है, इस वजह से यहाँ पर 32 नंबर प्रेशर स्विच नहीं प्रोवाइड किया गया है, इस वजह से यहाँ 8 दिख रहे हैं। तो साथियों आपने पहचाना, पहला नंबरिंग भूल जाइएगा तो इतना याद रखिएगा, न्यूमेटिक पैनल के सामने खड़े होने पर पहला प्रेशर स्विच पेंटो 1 का, दूसरा पेंटो 2 का, तीसरा इमरजेंसी ब्रेकिंग का, और चौथा ऑक्सिलरी कंप्रेसर का। और उसके बाद ये यहाँ पार्किंग ब्रेक का 32 नंबर होता है वो नहीं दिया है। नेक्स्ट है फीड पाइप का 34 नंबर, उसके बाद नेक्स्ट है ये आपका वीसीडी का, और उसके बाद अगला है 44 नंबर ये एयर फ्लो इंडिकेटर का, और ये एक नीचे दिया हुआ है 59, ये है डायरेक्ट ब्रेक का SA9 का, ये डायरेक्ट ब्रेक का है। तो ये आपके प्रेशर स्विच कितने, 9 प्रेशर स्विच हो गए। आपको शायद ज्ञात ना हो आपके लोगों में कुल 14 प्रेशर स्विच होते हैं, 14 प्रेशर स्विच होते हैं, जिसमें 9 की लोकेशन कहां पर होती है, न्यूमेटिक पैनल पर होती है, ये आपके सामने है। और उसके बाद बचे 5 प्रेशर स्विच, इनकी लोकेशन जो है आपके थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, WAP7 और WAG9 लोको, नॉन HOG जो लोको हैं उसमें ये जो 5 प्रेशर स्विच हैं, इस पे फोकस करो जरा, ये 5 प्रेशर स्विच हैं ये कहां पर लगे मिलेंगे, कैब नंबर 2 में ALP के पीछे AR के पास। लेकिन जो HOG लोको हैं उनमें इनकी सिचुएशन बदल दी गई है, अब ये जो लोको है ये HOG लोको है, तो देखिए ये विपरीत साइड आ गए, कहां कैब नंबर 1 पर ये लोको पायलट के पीछे इनको स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये HOG लोको होने के कारण इसका स्थान परिवर्तन कर दिया गया है। सबसे पहला स्विच ये 269.4 ये MR का स्विच है, आपके लोको में पूरा MR है, यदि 5.6 के नीचे MR है तब मैसेज आता है लो MR का, तो आप अपने MR को मेंटेन करिए, लेकिन आपने देखा कि हमारा तो MR पूरा है लेकिन लो प्रेशर MR का मैसेज आ रहा है, तो उस समय आप इस स्विच को टैप करेंगे, प्रेशर स्विच को टैप करेंगे, और इसके बाद भी सफलता नहीं मिलती। तो साथियों ये दिखा पास और क्लोज दिखाइए, ये जो दो तार हैं ये इनको आप आपस में शॉर्ट कर देंगे, ये जो दो तार दिखाए गए हैं इनको आप आपस में शॉर्ट कर दें, आपका MR पूरा हो जाएगा, ठीक, ये समस्या का निदान आपको मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ये आपका 172.2 ये है MCP2 का प्रेशर स्विच है, मेन कंप्रेसर का स्विच है। यदि कभी ऐसा होता है कि आपका BLCP ऑटो में पड़ा हुआ है और आपके कंप्रेसर नहीं चल रहे, लेकिन आपने जैसे उसको मैन पे किया तो चलने लगे, उस कंडीशन में आपको इसको और इसको ये 172.2 और 172.3 ये जो प्रेशर स्विच हैं ये MCP2 और MCP1 के हैं, इनको आपको टैप करना पड़ेगा, 172.3 और 172.2 इनको आपको प्रेस करना पड़ेगा, ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट दो हैं 269.6/2 और 269.6/1, ये दोनों बोगियों के BC1 और BC2 के प्रेशर स्विच हैं। जब कभी भी आपके लोको में देखें कि गाड़ी की गति 10 km/h से अधिक नहीं बढ़ रही है, तो आप अपने लोको BC गेज में देखें, यदि BC गेज में प्रेशर 0.6 kg या उससे अधिक ड्राप है, या BP प्रेशर 0.25 kg है, तो आप प्रेशर की समस्या है उसको पूरा करें, प्रेशर पूरा करें। लेकिन आपने देखा कि हमारे लोगों में तो BC प्रेशर और BP प्रेशर पूरा है, यानी BC 0 शो कर रहा है और BP 5.0 kg/cm² शो कर रहा है, और उसके बाद भी
गाड़ी की गति 10 km/h से अधिक नहीं बढ़ रही, उस कंडीशन में आपको ये दोनों जो है प्रेशर स्विच को दबाना पड़ेगा। एक्चुअल में ये स्थान बदलने के कारण ये स्थिति हो गई, नहीं तो ये ऊपर से नीचे के क्रम में होते हैं। तो ये 14 प्रेशर स्विच हो गए, 9 मैंने वहां दिखाए थे और 5 ये, 9, 5, 14 प्रेशर स्विच आपके 3 फेज लोको में 14 प्रेशर स्विच होते हैं, इनकी लोकेशन मैंने आपको बताई। ठीक, उसके बाद ये एक स्विच देखिए 94 नंबर, ये 94 नंबर काक है न्यूमेटिक पैनल के पीछे, ये जो पतले पतले पाइप आ रहे हैं उसमें एक मोटा पाइप है उस पर ये काक दिया गया है 94 नंबर काक। इसको MR2 के द्वारा ये खुला होने पर MR2 की सप्लाई कहाँ आती है, यहाँ से 3 जगह सप्लाई जाती है, इसके खुले होने पर MR2 की सप्लाई 58 नंबर 58 नंबर में आती है, ये डायरेक्ट ब्रेक को यहाँ से सप्लाई मिलती है, यानी SA9 को यहाँ से फीड मिलती है, इसके में आती है, यानी एक सप्लाई इसको 58 वाल्व को मिलती है जिसके द्वारा SA9 ऑपरेट होता है, दूसरी सप्लाई ब्लेंडिंग वाल्व को मिलती है। ब्लेंडिंग वाल्व आपको पता होना चाहिए, ब्लेंडिंग वाल्व जब कभी भी गाड़ी संचालन के दौरान आप रीजनरेटिव ब्रेकिंग कर रहे हैं और OHE की सप्लाई चली जाए तो उसी मात्रा में गाड़ी लोको में ब्रेक अप्लाई हो जाता है, तो वो सप्लाई ब्लेंडिंग वाल्व को इसी 94 नंबर काक से जाती है। और तीसरी सप्लाई 32 और 31 नंबर के दो वाल्व होते हैं Cab 1 और Cab 2 के लिए, उनको जाती है। तो ये 94 नंबर काक की पोजीशन WAP 7 और WAG 9 लोगों में न्यूमेटिक पैनल के पीछे ये पतले पाइप हैं वहां पर, ये देखिए ये है, ये रहेगी। लेकिन अगर WAP 5 लोगों होगा तो जो न्यूमेटिक पैनल देख रहे हैं ये जो कटा हुआ स्थान है यहाँ पर, फोकस करो, ये नीचे की तरफ यहाँ पर 94 नंबर का होगा, इस जगह पर उसको प्रोवाइड किया गया है, किसमें WAP 5 में, और G9 और P7 में इसकी लोकेशन वहां पर है। तो ये 94 नंबर काक के विषय में मैंने आपको बताया। उसके बाद एक केबिल है 26 नंबर केबिल, बड़ी इंपॉर्टेंट केबिल है भाई, उसका काम क्या है, अक्सर होता है कि हमारा MR मेंटेन नहीं हो रहा, जाके पता चला अनलोडर वाल से लीकेज हो गई और हमारे लोको पायलट भाई को क्या है अनलोडर वाल्व नहीं मिल रहा, अनलोडर वाल्व का काक नहीं मिल रहा, तो परेशान मत हो आप, सीधे आए ये डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के पास, ये देखिए ये केबिल आ रही है, ये 26 नंबर केबिल है और इसमें ये एक नट दिया हुआ, ये देख रहे हैं एक नट, सिंगल नट है, इसको आप खोल दें, खोल के निकाल दें बस। इसके द्वारा कंट्रोल सप्लाई जाती है UEL यानी अनलोडर वाल्व को, आपने कंट्रोल यहां से जब पेंच हटा दिया तो इससे कंट्रोल सप्लाई जाने का रास्ता कट हो गया और अनलोडर वाल्व से जो लीकेज हो रही थी वो खत्म हो गई। ये तब है जब आपको अनलोडर वाल्व नहीं मिल रहा लोको पायलट बंधुओं को, हमारे ALP भाई को, लेकिन ये तब करना है। लेकिन मुझे ज्ञात है 90% से अधिक लोगों को अनलोडर वाल्व की पोजीशन पता है, मैं किसी दिन वो भी आपको दिखाऊंगा। तो ये शॉर्टकट मेथड है, अगर अनलोडर वाल्व नहीं मिल रहा तो 26 नंबर केबिल जो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के पास है ये देख लीजिए, इसका ये पेच खोल के अलग कर दें, 26 नंबर केबिल को डिस्कनेक्ट कर दें तो अनलोडर वाल्व को जो कंट्रोल सप्लाई जा रही है वो कट जाएगी और अनलोडर वाल्व से लीकेज समाप्त हो जाएगी। तो साथियों ये मैंने कुछ आपको संक्षिप्त लेकिन गूढ़ जानकारी देने का प्रयास किया, क्योंकि इसका अभाव रहता है हमारे लोको पायलट को, उनको न्यूमेटिक पैनल पे कितनी चीजें लगी होती हैं जिनकी समुचित जानकारी नहीं होती, 70, 74, 136, 147 इतना ही डटे रहते हैं। तो इसके अलावा गाड़ी संचालन के दौरान ये सारे प्रेशर स्विच, 14 प्रेशर स्विच, 94 नंबर काक, 94 नंबर और 26 नंबर केबिल, इस सब की जानकारी आपको होना अति आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान में भारतीय रेल निरंतर ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है, तो हमारे लोको पायलट का ज्ञान भी निरंतर ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होना चाहिए। इसी कड़ी को ध्यान में रखकर मैंने ये आपको वीडियो बनाया। अगर मुझे आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। धन्यवाद साथियों, मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे मुखातिब होऊंगा।